Hey guys, welcome back to my channel. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हम और आप कनेक्टेड रह सकें। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं घर पर यूजिंग ओनली डंबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसेप्स कर्ल। इसमें हमें डंबल को स्लोली ऊपर लाना है, हो सके तो थोड़ा बाहर की ओर ट्विस्ट करना है, ऐसे नॉर्मल ऐसे आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है स्लोली नीचे। ये हमें दोनों हाथों के लिए परफॉर्म करना है। थ्री सेट्स ऑफ 12 to 15 रेपिटेशन। तो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स के लिए। तो हमारी ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी हमारी क्लोज ग्रिप डिप्स, जिसको हम डायमंड पुशअप कहते हैं। अगर आपके डायमंड पुशअप में एल्बो में पेन होता है तो आप थोड़ा सा ग्रिप को जो डिस्टेंस है उसको वाइड करके कर सकते हैं, और कोशिश करें जो आपकी एल्बोज है वो बॉडी से बाहर की ओर ना जाए, बॉडी के साथ नीचे हैं, क्लोज, बॉडी के क्लोज। अब हमारी अगली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स के लिए। तो बाइसेप्स के लिए हमारी अगली एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स। ये हमारे तो कहते हैं ना बाइसेप्स की पीक, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। डंबल को हमें अब इस एंगल से होल्ड करना है और टाइटली ग्रिप करना है और ऊपर लेके आना है और नीचे लेके जाना है पूरा। सेम हमें दूसरे हाथ के लिए भी करना है और हमें माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाते हुए परफॉर्म करना है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे बाइसेप्स पर है, फील करते हुए कि कॉन्ट्रैक्शन हमें फील हो रहा हो और स्लोली हम नीचे ला रहे हैं। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा एक्सरसाइज करने का, जब तक हम माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बनाएंगे। स्लोली ऊपर स्लोली नीचे। हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। तो हमारी ट्राइसेप्स की अगली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स बैक डिप्स। इसमें हमें कोई चेयर ले सकते हैं या हम बॉल की साइड ऐसे माउंटेड होके हाथों को शोल्डर ग्रिप वेट के अकॉर्डिंग पकड़नी है। जैसे हमारी यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं, बॉडी को आगे ले गए और ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हुए नीचे ऊपर पूरा स्क्वीज करना है ट्राइसेप्स को ऊपर जाके और फिर नीचे लाना है फिर ऊपर। शोल्डर प्लेट्स को पीछे को लॉक करना है ऐसे करके ताकि शोल्डर्स पे हमारा जोर ना आए, वेट ज्यादा शोल्डर पे ना आए, हमारा पूरा लोड जो है वो ट्राइसेप्स पे है। अब हमारी अगली एक्सरसाइज होगी बाइसेप्स की कंसंट्रेशन कर्ल्स। अब इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका आप ऐसे है कि आप ऐसे करके डंबल पकड़े और ऐसे करके कंसंट्रेशन कर्ल लगा रहे हैं। ये मैं कहूंगा कि आप बिना किसी सपोर्ट के थोड़ा सा अपने एल्बो को आगे को शिफ्ट करके नीचे लाएं और फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं ऊपर ले जाएं। हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की बैक। थोड़ा सा बॉडी लीन करनी है आगे को, एल्बोज हमारी बैक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ लॉक कर ले अपने एल्बो को और हाथों को क्लोज रखें अपने शरीर से और पीछे की ओर पुश करें डंबल को, पूरा स्क्वीज
ध्यान रहे एल्बो हमारी ऊपर रहे और लॉक रहे, एल्बो हमारी ऐसे ना रहे कि हम जा रहे हैं तो एल्बो अपने साथ आ रही है ऐसे, एल्बो हमारी लॉक, ये मोशन, ये एल्बो एक जगह रहेगी और हमारा पूरा लोड जो है वो ट्राइसेप्स पे आएगा। आप चाहे तो ट्राइसेप बैक डिप्स यहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दो पैरेलल रॉड्स मिल सके, जहाँ आप लटक पाए और अपनी बॉडी को ऐसे स्लोली नीचे एंड स्लोली स्लोली नीचे स्लोली ऊपर। तो ये था हमारा आज का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। इस वर्कआउट को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को घर पर ट्रेन कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ डंबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।